हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ गोटी अंजलि एंड सिक्स यूनिट फूड वी ईट वी हैव सीन हियर इन प्रीवियस वीडियो एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ तक हमने देखा था, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे. सो दिस वॉज अबाउट थिंग दैट वी कैन और कांट ईट. डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? नॉट ऑलवेज. तो जो चीज़ें हम खा सकते हैं और नहीं खा सकते, क्या ऐसी चीज़ें हम खा भी सकते? तो हर रोज़ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि हम जो खा सकते हैं वो हर टाइम हम खा ही सकें. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम एज के बाद भी नहीं भी खा सकते. तो जो पहले देखिए, जो चाइल्ड था जो वो खा सकता है ये सब, और वो जो नहीं खा सकता था, देखिए जैसे वो भुट्टा और शुगर कैन वो सब नहीं खा सकता था, तो वो यंग होकर वो चीज़ खा सकता है. और फिर से जब वो ओल्ड होगा तो वो चीज़ वो नहीं खा सकता. तो ऐसा नहीं होता कि हर जो चीज़ एक बार आप खा सकते हो वो आप खा ही सकते हो. ऑलवेज ऐसा नहीं होता. नाउ पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन. तो यहाँ पे हमें कुछ खाने की चीज़ें दी हुई है, तो क्या वो चीज़ हम जो खाते हैं कभी कभार, तो हमें उस पर सर्कल करना है. तो हमें उस पर सर्कल करना है. तो ऐसी कौन कौन सी, देखो पहले पे यहाँ पे हमें दिया है राइस, व्हीट, बैरली, ओट्स, मेज, मिलेट, कप्पा, रागी. तो जो चीज़ें है वो हम खाते हैं, हमें उस पर सर्कल करना है. तो देखिए राइस, तो राइस तो हम खाते हैं तो हम उस पर सर्कल करेंगे. फिर नेक्स्ट है व्हीट. व्हीट भी हम खाते हैं, हम व्हीट की चपाती ही खाते हैं ऑलमोस्ट, तो हम उस पर भी सर्कल करेंगे. फिर बैरली, ओट्स, मेज, मिलेट, कप्पा एंड रागी. अभी इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आप खाते हो तो आप उस पर भी सर्कल कर सकते हो. जैसे मेज है, बैरली, ओट्स, वो सब हम कभी कभार खाते हैं. तो जो भी अगर खाते हो आप, आपको लगता है तो आप उस पर टिक कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे मेज पे करती हूँ, तो आपको ऐसे कर सकते हो आप टिक. कई लोग होते हैं जो मेज और मिलेट की भी चपाती बनाकर खाते हैं, तो आप उस पर भी सर्कल कर सकते हो. और जनरली तो हम क्या राइस और व्हीट है जो वो सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो इन दोनों पे सर्कल आएगा. और अगर आप ये भी खाते हो तो आप उस पर भी सर्कल कर सकते हो. नाउ मोस्ट ऑफ अवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स. डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट अ डिफरेंट प्लेसेस. तो देखिए मोस्ट ऑफ हमारा जो फूड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कि जो हम जिस एरिया में रहते हैं वो सबसे इजीली ग्रो होता है. ये सब जो फूड्स होते हैं हम वो सबसे ज़्यादा खाते हैं. और अलग अलग चीज़ें जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, अलग अलग जैसे प्लेस होते हैं वहाँ, वैसे ही अलग अलग खाना भी वहाँ का होता है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग खाना खाते हैं. तो जिस एरिया में जिस तरह का फूड जल्दी ग्रो करता है उस तरह के फूड्स को वो प्रीफर करते हैं. तो जो हमारे जैसे कि एरिया है, तो हमारे एरिया में अगर वीट सबसे ज़्यादा होते हैं तो हम हमारे एरिया में सब लोग वीट ज़्यादा प्रीफर करते होंगे. किसी के एरिया में जैसे मिलेट, मेज है, किसी के एरिया में राइस सबसे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं. उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग इज ईटन मोर. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो चीजें हैं वो जहाँ पे सबसे ज्यादा खाई जाती है. तो वो ये क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है कि कौन सी जो, जैसे कि वीट है तो वीट कहाँ पे सबसे ज्यादा, राइस है, मिलेट है, मेज है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा खाया जाता है, वो आपको खुद से फाइंड करके लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नॉट ओनली ईट अ डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ अ फूड आइटम्स. फाइंड आउट एंड राइट वॉट ऑल कैन बी प्रिफेयर फ्रॉम राइस एंड वीट. तो देखिए, वी नॉट ओनली ईट अ डिफरेंट थिंग्स, हम अलग अलग चीज़ें ही सिर्फ नहीं खाते, बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ अ फूड. कि जैसे कि देखिए, कोई एक फूड के आइटम मतलब हो गए कि जैसे वीट है, तो हम वीट से ऐसे नहीं कि सिर्फ चपाती बनाकर खाते, हम उसकी अलग अलग वेराइटीज भी फूड की बनाकर खा सकते हैं. राइस है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम राइस को ही पका दिया तो हो गया, उससे भी अलग अलग आइटम्स बनती है और हम उससे बनाते भी है. तो फाइंड आउट एंड राइट वॉट ऑल कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम राइस एंड वीट. तो हमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल ऐसे दिए कि वीट एंड राइस. तो वीट एंड राइस से कौन कौन सी फूड आइटम्स बनती है, वेराइटीज उसमें कौन कौन सी बन सकती है, हमें वो लिखनी है. तो आप जो जो भी खाते होगे, बनाते होगे, वो आपको पता ही होगा कि इससे ये बनती है. तो हम देखते हैं कि जो वीट है उससे कौन कौन सी डिफरेंट वेराइटी फूड्स की बन सकती है. तो वीट, देखिए वीट में से पूरी बन सकती है,
फिर वीट में से पराठा भी बन सकता है, ब्रेड जो हम ब्रेड खाते हैं वो भी वीट में से ही बनती है, फिर केक जो केक होती है उसमें भी वीट का जो फ्लोर होता है उसका इस्तेमाल होता है, फिर हलवा जो हलवा होता है उसमें भी वीट का इस्तेमाल होता है, फिर चपाती, चपाती तो हमें पता ही है कि वीट से चपाती भी बनती है, तो वीट से उसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटी है, जैसे कुछ स्वीट्स और वो सब है वो वीट से बन सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ दिए एग्जांपल की कौन कौन सी वैरायटी बन सकती है, तो पूरी, पराठा, ब्रेड, केक, हलवा, चपाती, ऐसे बहुत सारी वैरायटी। आपको अगर कोई और भी बताए तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइस। तो जैसे हमने वीट में से देखा कि अलग अलग आइटम कौन कौन सी बन सकती है, तो वैसे ही अभी हम देखेंगे कि राइस में से कौन कौन सी अलग अलग जो फूड्स की वैरायटी है वो बन सकती है। तो देखिए, राइस से बिरयानी, राइस से डोसा, इडली, खीर, पुलाव, डोसा पापड़, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइस से बनती है। तो आपको कोई और भी चीज़ अगर पता हो कि जो राइस से बनती है उसकी वैरायटी, अब तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ दी है जैसे बिरयानी, पापड़, इडली, खीर, पुलाव एंड डोसा। तो आपको क्या करना है, जो ये वीट एंड राइस है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, जो आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया है वो लिखकर आपको ये दोनों जो है वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, फिर उसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। तो पहले आप इस तरह से वीट का लिखेंगे और फिर नेक्स्ट राइस का लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट सिमिलरली, डिफरेंट पल्सिस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट एटसेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस, पीपल हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखिए, यहाँ पे हमने अलग अलग चीजें जो है हम लिखते हैं, तो सिमिलरली डिफरेंट पल्सिस है, फिर जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मील है, उनसे अलग अलग चीजें बनती है खाने में। तो जैसे यहाँ पे हम तो सिर्फ हमने वीट एंड राइस ही दिखा, वैसे वेजिटेबल्स में भी डिफरेंट आइटम्स बनती है, पल्सिस में भी सी, फ्रूट्स में से भी बनती है, मीट में से भी बनती है। तो पीपल डिफरेंट चीज़ें जो होती है खाने की, तो उसके बारे में क्या होती है, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें पसंद होती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी आइटम्स होती है फूड की जो हमें नहीं पसंद आती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें दिया है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स मीन्स की जो हमें पसंद हो और डिसलाइक्स मीन्स की हमें जो ना पसंद हो। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें दिया है लाइक्स और उसके बाद हमें 3 ब्लैंक्स दिए, फिर यहाँ पे डिसलाइक्स और उसके बाद यहाँ पे हमें 3 ब्लैंक्स दिए। तो उसमें क्या करना है, जो खाने की चीज़ें हमें पसंद हो वो हम यहाँ पे किस में लिखेंगे, लाइक्स में। तो जो लाइक है उधर यहाँ पे 3 ब्लैंक है, उसमें जो जो खाने की चीज़ हमें पसंद है वो यहाँ पे उसके नाम लिखेंगे, और डिसलाइक है उसमें हम क्या करेंगे, जो जो हमें नहीं पसंद वो हम खाने की डिशेज लिखेंगे इसमें। तो देखिए, लाइक्स में जैसे हमें नूडल्स पसंद हो, पास्ता, फिर चपाती है, खीर है, हलवा है, ऐसे जो कोई भी चीज़ पसंद हो आप उसमें यहाँ पे लिखेंगे। और ये आपको खुद से लिखना है, क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक्स तो आप ही की होती है ना, तो ये आपको खुद से लिखना है। और डिसलाइक्स में जैसे कि खिचड़ी है, दाल है, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको शायद ना भी पसंद हो, तो आप यहाँ पे वो नहीं पसंद है वो फूड के बारे में लिखेंगे, और ऊपर जो आपको पसंद है उस फूड के बारे में लिखेंगे। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, फिर नोटबुक में उस बुक क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका उसको कॉपी डाउन करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 फिर उसको नोटबुक में लिखना है। नाउ आर योर लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑफ योर फ्रेंड्स। तो जो आपने अभी लाइक्स और डिसलाइक्स लिखी, क्या वो आपकी फैमिली मेम्बर्स की भी ऐसी है और आपके फ्रेंड्स की भी ऐसी है? तो ऐसा हो सकता है, तो कई बार होता है कि हमारा किसी से लाइक्स और डिसलाइक्स मैच कर जाते हो, पर जनरली तो सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स जो होती है वो डिफरेंट ही होती है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिशेज पसंद होती है और डिशेज नहीं भी पसंद होती। तो जैसे किसी को दाल राइस पसंद हो तो किसी को दाल राइस नहीं भी पसंद होते, तो वैसे आपकी फ्रेंड के साथ और आपके फैमिली के मेम्बर्स के साथ जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती है वो डिफरेंस होती है। सम कॉमन फ्रेंड्स कुछ होते हैं जिसमें हमारे कॉमन डिशेज होती है जो लाइक्स और डिसलाइक्स में मैच भी करती है, लेकिन जनरली जो होती है वो डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंस होती है। नाउ नेक्स्ट, लेट्स टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट।
तो कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं और उनको क्या पसंद है खाने में हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें तीन जो चिल्ड्रन है उनकी फोटोग्राफ्स दी और फिर उसके बाजू में उनको क्या पसंद है वो यहाँ पे ऐसे एरो करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखे हैं ना, तो उसे क्या पसंद है वो हम देखते हैं। आई लिव इन हांगकांग, तो जो ये गर्ल है वो कहाँ पे रहती है, हांगकांग। तो हांगकांग क्या है, जैसे हमारी इंडिया कंट्री है वैसे ही वो हांगकांग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, तो वो क्या बोलती है कि मुझे और मेरी मम्मी को स्नैक्स खाना बहुत ही पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू अ नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हु फैन, तो वो क्या बोलती है कि जब भी हमें कुछ खाने का स्नैक्स खाने का मन करता है तो उनके बाजू में ही जो नियर बाय में जो होटल होगी वो उसमें जाते हैं और फिर वहाँ पे वो क्या खाते हैं, लिंग हु फैन। तो वो भी क्या एक स्नैक का नाम है, वो लोग खाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है जुन्नी, तो यहाँ पे जो जुन्नी है उसे क्या पसंद है हम देखते हैं। आई लिव इन कश्मीर, तो ये जो गर्ल है वो कहा कि ये कश्मीर की है। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, तो देखिए इसको क्या पसंद है, जो वो फिश पसंद है और वो लोग क्या करते हैं, जो फिश है किसमें पकाते, मस्टर्ड ऑयल में। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, तो वो एक बार कहाँ गए थे, गोवा गए थे, वहां पे वी एट अ फिश देर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। तो वो क्या बोलती है कि वो कश्मीर में रहती है, वो भी वहां पे फिश खाते हैं लेकिन वो जो फिश है वो कहाँ से किसमें पकाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में पकाते हैं। और जो वहाँ एक बार वो गोवा गई थी तो वहां पे भी उसने फिश खाई थी, लेकिन जो लोग वो कश्मीर में फिश खाते और जो फिश उन्होंने गोवा में खाई उसका टेस्ट जो था वो डिफरेंट था। My mother said that it was a sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि ये हम जो पकाते हैं वो मस्टर्ड ऑयल में पकाते हैं और जो गोवा में उन्होंने खाई थी वो कोकोनट ऑयल में पकी हुई थी, तो उसका टेस्ट क्या होगा उसकी वजह से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे उसने फिश खाई थी लेकिन सिर्फ ऑयल की वजह से भी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो बॉय है उसका नाम है थॉमस और आई लिव इन केरला, तो ये कहाँ पे कहा गया है, केरला, जो केरला वो है हमारा स्टेट उसमें वो रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, उसको दो चीजें बहुत खानी पसंद है। बोथ ग्रो इन अवर कोर्ट यार्ड, वन ग्रोस ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, इट इज अ ग्रेट टू ईट अ बॉइल्ड टॉपिको विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये जो थॉमस है उसको क्या पसंद है, दो चीजें खानी बहुत पसंद है और वो दोनों चीजें जो है वो उसकी कोर्टयार्ड में ही है, जो वहां पे एक है जो टॉल ट्रीज पे होती है, मतलब कि हमने देखा था आगे की जो ट्रीज जो जिसकी जो ट्रंक होती है वो थीक एंड लॉन्ग होती है, तो वो क्या होती है, ट्रीज होते हैं। तो जो एक उसे चीज पसंद है वो ट्रीज पे होती है और दूसरी क्या होती है, अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर होती है। एंड इट्स अ ग्रेट टू ईट अ बॉइल्ड टोपियोका, तो उसे क्या है, जो बॉइल्ड किया हुआ टोपियोका है वो बहुत ही पसंद है। विथ एनी करी, कोई भी करी के साथ वो खाता है। एंड मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड, तो वो क्या बोलते, इस मेड यूजिंग बाय कोकोनट ऑयल, तो जो वो बनाते हैं वो हमने आगे ही देखा कि जो फिश है वो मस्टर्ड ऑयल में भी बनाते हैं और कोकोनट ऑयल में भी बनाते हैं, तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। वैसे ही जो इसे पसंद है वो किसमें पकाते हैं, वो लोग कोकोनट ऑयल में, और वो क्या है, बहुत ही उसको टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे कुछ हमें लोग दिए हुए उनको क्या क्या पसंद है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिर्फ ये आपको रीड करना है। नाउ नेक्स्ट व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ राइट ऑन देम एड टू द लिस्ट, तो देखिए क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हमें वो डिसाइड करता है कि हम ये खाएंगे, तो उसके आगे हमें टिक का राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, व्हाट इज इजीली अवेलेबल, तो हम मतलब क्या रीजन होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम ये खाएंगे, तो एक तो ये भी आएगा कि व्हाट इज इजीली अवेलेबल, तो जो इजीली अवेलेबल होता है हम वो भी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं तो हम वो खाने का डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें मिलेंगी नहीं। तो जो इजीली अवेलेबल हो, जो हमारे एरिया में मिल जाती हो इजीली, हम वही खाना पसंद करेंगे, तो उसके आगे भी ठीक आएगा। व्हाट वी कैन बाय, वो भी एक चीज़ है कि जो कोई चीज़ हमें पसंद हो लेकिन हम उसे खरीद नहीं सकते तो वो भी हम नहीं खा सकते, तो हम कौन सी चीज़ खा सकते हैं जो हम खरीद सकते हो, तो ये भी एक रीज़न है कि हम खाना खाने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। फिर कस्टम एंड ट्रेडिशंस,
तो देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके अलग अलग कस्टम एंड ट्रेडिशन की वजह से उनकी फूड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हमारे कस्टम और ट्रेडिशन की वजह से भी हम जो खाते आते हैं बचपन से ही, जो हमारा ट्रेडिशन होता है, तो उसकी वजह से भी हम वो चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे उसमें भी टीका आएगा। और फिर यहाँ पे जो दो हमें ब्लैंक्स दी है उसमें हमें खुद से लिखना है। तो देखिए और क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे हम खाना पसंद करेंगे, तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, क्योंकि वो हमें पसंद हो इसलिए भी हम उसे खाना पसंद डिसाइड करते हैं। फिर जो कोई भी फूड होता है तो उसका प्रेजेंटेशन, वो दिखने में कैसी है वो आइटम, वो देखकर भी हम खाना डिसाइड करते हैं कि हमें ये खानी है। और उसकी जो फ्रेशनेस होती है उसको देखकर भी हम, स्मेल और उसको देखकर भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये खानी है। तो इसमें जो यहाँ पे दो दिए ब्लैंक्स उसमें क्या आएगा आंसर, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये भी एक आ सकता है इसमें कि हमें पसंद है उसकी वजह से भी हम खाने को डिसाइड कर सकते हैं। फिर सेकंड रीजन है द फ्रेशनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, तो जो फूड है उसकी प्रेजेंटेशन और फ्रेशनेस की वजह से भी हम उसको खाने का डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट बुक में जो ब्लैंक्स दिए उसमें आपको ये दोनों लिखने हैं रीजन, और फिर ये जो पूरा का पूरा है वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट, नेम ऑफ समथिंग आर गिवन बिलो, put a right on the things that can be eaten. If there is anything about which you are not sure, ask your teacher. तो देखिए यहाँ पे हमें ना बहुत सारी जो थिंग्स है वो दी हुई है फूड की, तो क्या वो हम खा सकते हैं, तो उसके आगे हमें क्या करना है, टिक का निशान करना है। और there is a thing which you are not sure, तो मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद है तो आप अपने टीचर्स या अपने जो एल्डर्स है उनसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे बनाना फ्लावर्स, तो जो बनाना फ्लावर्स है क्या वो हम खा सकते हैं, वो खाने की चीज़ है। तो हाँ बनाना फ्लावर्स भी है जो बहुत से लोग खाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा राइट। फिर ड्रमस्टिक फ्लावर्स, तो ड्रमस्टिक फ्लावर्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है जो लोग खाते हैं, तो ड्रमस्टिक से भी जो फ्लावर्स होते हैं वो भी एडिबल है, वो खाया जा सकता है, जिसे हम खा सकते हैं, उसे खाने से कुछ होता नहीं है। फिर है मशरूम, तो जो मशरूम है वो क्या है, खाया जा सकता है, तो नहीं मशरूम नहीं खा सकते। फिर लोटस स्टीम, जो लोटस स्टीम होती है, लोटस जो होता है हमें प्लांट्स लोटस का, उसकी जो स्टीम होती है वो भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो उसको खाते हैं, तो इसमें भी क्या आएगा राइट। फिर रेड आंट्स, तो जो आंट्स होती है क्या उनको खाया जा सकता है, तो नहीं उनको नहीं खाया जा सकता, तो हम उसके आगे टीका निशान नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है लेफ्ट ओवर चपाती, जो लेफ्ट ओवर चपाती मीन्स कि जो बची हुई चपाती होती है क्या हम खा सकते हैं, पर उसको खा सकते हैं लेकिन कब तक, जब तक कि वो फ्रेश हो, फिर जो जब तक वो स्टेल हो जाए उसके बाद हम उसको नहीं खा सकते, तो वो हम क्या कहेंगे लेफ्ट ओवर चपाती में हम टिक नहीं करेंगे। फिर है कैमल्स मिल्क, जैसे अलग अलग मिल्क होते हैं, बफेलोज मिल्क, काउस मिल्क, वैसे ही कैमल्स का भी मिल्क होता है, और वो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैमल्स का मिल्क भी प्रिफर करते हैं, तो ये भी क्या आएगा उसमें भी टिक आएगा। फिर नेक्स्ट है हैंस एग, तो जो मुर्गी का अंडा वो क्या है, वो भी एक ईटेबल एडिबल है, हम उसको भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो उसको खाते हैं, तो इसमें भी क्या आएगा टिक का निशान। फिर लीव ऑफ आरवी, तो जो आरवी के पत्ते होते हैं हम उसको भी खा सकते हैं, उससे भी बहुत सारी आइटम्स होती है जो बनती है, तो उसको भी हम खाया जा सकता है, तो उसके आगे भी टिक का निशान आएगा। फिर है रेड, रेड रेड को नहीं खाया जा सकता, तो उसके आगे हम टिक का निशान नहीं आएगा। फिर फिश, या फिश एडिबल है, फिश बहुत सारे लोग ऐसे है जो फिश को खाते, हमने आगे ही देखा कि फिश बहुत सारे लोगों ने खाते हैं, तो हम इसमें भी टिक आएगा। फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है वो नहीं खा सकते हम, तो फ्रॉग में क्या आएगा नहीं आएगा। फिर आंवला, तो यस आंवला इज ईटेबल, तो इसमें भी क्या आएगा टिक का निशान आएगा। फिर चपाती, चपाती तो हमें पता ही है हम हर रोज खाते हैं, तो इसमें भी क्या आएगा टिक का निशान आएगा। फिर है कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर भी हम खा सकते हैं, उसकी जो होती है वो एक वेजिटेबल है और उसकी सब्जी भी बनती है, वो सब खाते हैं, तो इसमें भी टिक का निशान आएगा। फिर मीट, जो मीट होता है वो ऐसा नहीं है कि बहुत सब लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, तो ये एक भी खाने की चीज़ है, तो उसमें भी आएगा टिक का निशान। फिर सीड्स ऑफ अ ऑनियन, तो सीड्स जो ऑनियन के सीड्स होते हैं वो भी खा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीड्स के ऑनियंस खाते हैं, तो इसमें भी टिक आएगा। फिर नेक्स्ट है क्रैब,
तो क्रैब होता है वो नहीं खाया जा सकता, तो हम उसमें राइट नहीं करेंगे। ग्रास, ग्रास हम बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, तो मतलब कि वो भी एक खाने की चीज़ है, तो उसमें भी ठीक आएगा। फिर कोकोनट ऑयल, हमने आगे ही देखा कि कुछ लोग हैं उन्होंने जो फिश बनाई थी वो कोकोनट ऑयल से बनाई थी, तो वो भी एक एडिबल होगी, कोकोनट ऑयल से बनाई जा सकती है, तो ये भी एक खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों से जो कोकोनट ऑयल खाते हैं। फिर है चपाती, तो यहाँ पे देखिए हमें आगे भी चपाती दी थी, यहाँ पे भी चपाती दी है, तो मतलब जो ये चपाती है वो मेड ऑफ बाजरा है, जो ये चपाती है वो मेड ऑफ ग्राम है, तो कुछ बाजरा से भी बनती है वो भी हम खा सकते हैं, और जो ग्राम से भी बनती है हम वो भी खा सकते हैं, तो वो भी एडिबल है, तो इस सब में टिक का निशान आएगा। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है और फिर उसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है इस क्वेश्चन को भी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 करके फिर आपको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। नेक्स्ट है ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। मीन्स कि ऐसी कौन सी फूड आइटम के नाम है जो आपने कभी खाई नहीं है पहले, लेकिन आपको खाने का मन है कि आपको ये खानी है, यू फील लाइक ईटिंग, तो ऐसी कौन सी चीज़ है वो, तो आपको ही पता होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने पहले नहीं खाई लेकिन आपको खानी है, तो आपको उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एज एग्जाम्पल मैं दो चीज़ें लिखती हूँ और आपको फिर आपका जो भी ऐसी चीज हो खाने की वो आपको लिखनी है। देखिए जैसे कि नंबर वन, सरसों करी, तो मतलब कि जो सरसों की करी होती है वो शायद पहले नहीं खाई हो लेकिन अभी खाने का मन हो, तो ऐसे मैंने एज ए एग्जाम्पल एक लिखा है, आपको जो भी ऐसी चीज हो वो आप लिख सकते हो। फिर देखिए सेकंड है चपाती मेड बाय बाजरा फ्लोर, तो मींस कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो व्हीट के फ्लोर की बनाते हो, मेज की फ्लोर की बनाती हो, तो मींस कि पहले कभी उन्होंने बाजरा की फ्लोर की चपाती ना खाई हो लेकिन उनको खाने का मन हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे आपको खुद से लिखनी है और फिर अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा 6th चैप्टर था फूड्स वी एट इज ओवर हियर, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।